लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बंगाल में तीन चुनावी सभा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के प्रचार के लिए एक बार फिर से बंगाल पहुंचे। दक्षिण दिनाजपुर के बुनियादपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गरीबों को गरीब बनाए रखने का षड्यंत्र रचा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरा देश कह रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा हो रहा है, जो हो रहा है वो आपके इस प्यार और स्नेह से साफ दिखाई दे रहा है। ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के मॉडल को पूरे देश में लागू करने का इरादा किया है और गरीबों को गरीब रखा जाता है और धार्मिक जुलूस से निकालना मुश्किल होता है। यह वह मॉडल है जिसका वह उल्लेख कर रही है। मां काली और भगवान शिव जी की धरती को मेरा शत शत नमन। पूरा देश कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कुछ बड़ा हो रहा है। क्या बड़ा हो रहा है, कैसी लहर उठी है, वो आपका ये स्नेह ये विश्वास दिखा रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने ठान लिया है, स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता।